मैं जितना मैंने आपको करवाया था तो एक बार से कंपाइल कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट मीनिंग वी हैव डिस्कस, इलेक्शंस का मीनिंग। सेकंड टाइप्स, बच्चे टाइप्स कितनी होती है इलेक्शंस की? थ्री टाइप्स, जर्नल, मिड टर्म एंड बाय। इसको बोलो सिट प्रॉपर, सिट प्रॉपर, ठीक है। लक्ष्य सनेजा, सिट प्रॉपर। हाँ जी, जर्नल इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शंस। जर्नल इलेक्शंस आर कंडक्टेड फॉर 5 years, मिड टर्म इलेक्शंस बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। एक्सपायरी ऑफ द टर्म का मतलब होता है 5 साल से पहले अगर कंट्री में जरूरत पड़े तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी और उसके बाद कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं मिड टर्म, यानी कि 5 ईयर से पहले अगर कंट्री में इलेक्शंस की जरूरत पड़े, ठीक है। एंड थर्ड इज बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन का मतलब होता है किसी एक या दो सीट्स को फिल करने के लिए जब कंट्री में इलेक्शंस करवाए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको क्या बोलते हैं? बाय इलेक्शन। और ये क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल डेथ ऑफ एनी एमपी, या फिर मे बी लॉन्ग इलनेस, या फिर वो फॉरन जा सकते हैं, कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, या कोई और रीजन हो सकता है जिसके कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया है एंड उसकी जगह पर एमपी के लिए जो सीट खाली हो जाती है उसको फिल करने के लिए उसी एरिया में इलेक्शन करवाए जाएंगे, उसको बोलते हैं बाय इलेक्शन। फिर हमने किया व्हाई डू वी नीड, तो दैट वी हैव कंप्लीटेड कि हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों होती है, ठीक है। और इसके बाद फीचर्स, फीचर्स में मैंने आपको नंबर ऑफ फीचर्स करवाए हैं, तो फीचर आए या व्हाट मेक्स आवर कंट्रीज इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, तो आपने सेम ही लिखना है। आपने इसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज लिखनी है कि हमारी कंट्री के जो इलेक्शंस की डेमोक्रेटिक वैल्यूज कौन कौन सी। इसमें मैंने आपके साथ बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो शेयर किए थे। जो पॉइंट्स मैंने शेयर नहीं किए हैं, यानी कि लास्ट पीरियड हमारा जो रह गया था उससे पहले जितने भी किए थे, मैं वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। फर्स्ट हमने किया था इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारी कंट्री के फीचर का बेस्ट पार्ट क्या है कि हम लेजिस्लेशन में या लॉ मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। हम क्या करते हैं? वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, दोज रिप्रेजेंटेटिव मेक लॉज फॉर अस। ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी कितने तरह की होती है बेटा? टू टाइप्स डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तब होता था जब पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, लोग मिलकर अपने लिए खुद लॉ बनाते थे, दैट वॉज डायरेक्ट। लेकिन नाउअडेज इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज पॉपुलेशन इज वेरी हाई एंड लोग अपने लिए लॉ कैसे बनाए, क्योंकि लोग तो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो वी नीड सम लीडरशिप एंड दिस लीडरशिप इज इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इन द फॉर्म ऑफ एमपी, इन द फॉर्म ऑफ एमएलए, ठीक है। ये होगी इनडायरेक्ट। बच्चे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक और नाम भी है, उसका कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को बच्चे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लॉ बनाते हैं, ठीक है। देन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को बेटा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए लॉ बनाते हैं। नेक्स्ट इज रेगुलर इलेक्शंस। हमारी कंट्री में रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है एवरी 5 ईयर्स। ऑटोमेटिकली हमको पता ही है कि जब गवर्नमेंट के 5 साल पूरे हो जाएंगे, सीएम को भी पता है, पीएम को भी पता है कि नए इलेक्शंस होंगे और वो पहले से ही प्रिपेयर होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सीक्रेट बैलेट। क्या होता है बेटा सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है? बैलेट, पहले टाइम में बैलेट बॉक्स होता था, लेकिन आजकल में बैलेट बॉक्स नहीं होता, ईवीएम होती है, लेकिन उसका नाम वही चल रहा है। सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है कि आपने जिसको भी वोट किया, नोबडी विल आस्क टू होम यू हैव गिवन योर वोट। सीक्रेट बैलेट, ये आपका राइट है। अगर आपका राइट टू वोट है तो आपका राइट है सीक्रेट बैलेट का भी, कि आप किसी को बता, अगर वो अलग बात है कि आपने जाकर किसी और पार्टी को किया, बाहर जो मर्जी बताओ, लेकिन कोई भी आपकी वोट को चेक नहीं करेगा और चेकिंग के बेस के ऊपर आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है पर एरिया, इलेक्टोरल एरिया। जैसे जलंधर एक एरिया है, तो ये हो गया सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब एमपी के इलेक्शन होंगे तो पूरे जलंधर में से एक ही एमपी बनेंगे, चाहे 30 खड़े हों, चाहे 40 खड़े हो जाए, चाहे 50 खड़े हो जाए। तो 50 ईवीएम्स में अगर 50 लीडर्स होंगे ना, तो 50 में से आपने एक को ही सिलेक्ट करना है। ये नहीं है कि आप 3-4 को कर दो, आपके पास ऑप्शंस नहीं है। यू हैव टू वोट फॉर ओनली वन एंड दैट इज सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट जो है दैट इज ज्वाइंट इलेक्टोरेट। ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? कि हमारी कंट्री में किसी भी तरह से रिलीजन के बेसिस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड नहीं किया हुआ। वो हमारी कंट्री में 1947 से पहले मुस्लिम्स ने डिमांड की थी कि हमारी कंट्री में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कर दो, कि मुस्लिम विल वोट फॉर मुस्लिम एंड हिंदू विल वोट फॉर हिंदू
एंड क्रिश्चियंस विल वोट फॉर क्रिश्चियन. अगर ऐसा होता तो क्या होता, क्या होता, रिलीजियस डेमोक्रेसी बन जाती. फिर रिलीजन के अकॉर्डिंग लोग जो है वो आपस में एक अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग ही करते. लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं. हमारी कंट्री में क्या है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, वाइल गिविंग योर वोट, ठीक है, तो नो रिस्ट्रिक्शंस विल बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, कम्युनिटी, जेंडर. ठीक है, ये आपके ऊपर है आप किसको वोट कर रहे हो, ये आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, इलेक्शन से पहले या जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है ना, उससे पहले आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं. स्पेशली किनको फॉलो करने पड़ते हैं, जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, लीडर्स होते हैं और पार्टीज, जो इलेक्शन कमीशन ने इनको गाइडलाइंस दी है वो उनको फॉलो करनी पड़ती है. जैसे आपके टीचर्स आपको देते हैं ना व्हाट्सएप पे गाइडलाइंस देते हैं, ये आपके कोड ऑफ कंडक्ट. और अगर आप उनको डिसओबे करते हो तो एक्शन विल बी टेकन. सपोज आपकी क्लास का कोड ऑफ कंडक्ट, अब दो कोड ऑफ कंडक्ट बन गए आपके लिए, क्या है कि मोबाइल विल नॉट बी अलाउड एट एनी कॉस्ट. एंड सेकेंड क्या है, if you have given consent for yes then you have to attend classes offline, and if you are attending online then your absent will be marked, kyunki aapke parents ne aapko permission deni. theek hai, to ye kuch code of conduct hai jo aapko follow karne hai bache. aise hi elections ke time period mein election commission parties ko ya leaders ko kuch guidelines dete hai, aur agar wo follow nahi karenge to unke nomination paper kya ho jate hain, cancel ho jate hain. ये भी हमने किया हुआ है, कोई डाउट अगर है तो साथ साथ पूछ लो. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे रिजर्वेशन. इसका मतलब क्या होता है, सम सीट्स आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द लोकसभा और विधानसभा. लोकसभा है दिल्ली में, विधानसभा चंडीगढ़. जो एमपी होते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, जो एमएलए होते हैं वो विधानसभा के मेंबर होते हैं. लेकिन हमारी कंट्री में कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ताकि इनको भी प्रॉपर जो है पार्टिसिपेशन या लेजिस्लेशन में जो है वो एक पार्टिसिपेशन मिले या उनको भी आगे आने का मौका मिले, तो इसलिए कुछ सीट्स रिजर्व की गई. ठीक है, देन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. ये हमारा डिस्कस हो गया रिजर्वेशन, सारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो गया डिस्कस. चलो इंडिपेंडेंट, हाँ ओके चलो ठीक है, ये हमने डिस्कस करना है पूरा डिटेल में, डिटेल में डिस्कस करना है. चलो ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन जो है हमारी कंट्री में आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन की प्रोविजन करता है, आर्टिकल 324. ठीक है, ये मैंने करवाया था कि इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, 3. इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ CEC प्लस 2 मेंबर्स, तो टोटल कितने हो गए, 3. टोटल कितने हो गए, 3. ठीक है, आर्टिकल 324 अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज देयर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, देन सेकेंड आपने याद रखना है इलेक्शन कमीशन, कमीशन में 3 मेन मेंबर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. CEC का मतलब क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड प्लस 2 अदर मेंबर्स. और इनकी टर्म बेसिकली हमारी कंट्री में टर्म जो है दैट इज 5 ईयर, लेकिन इनकी टर्म कितनी है, 6 ईयर्स. एंड हमारी कंट्री में जो इलेक्शन कमीशन है इसका ये डेमोक्रेटिक फीचर है हमारा, ये इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, वंस दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. कौन अपॉइंट करता है इनको, इलेक्शन कमीशन के तीनों मेंबर जो हैं CEC प्लस 2, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, बट वंस दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग देयर इलेक्शन मैटर्स. ये है हमारी कंट्री का इलेक्शन कमीशन, तो ये भी हमारी कंट्री का डेमोक्रेटिक फीचर. रूल्स ये बनाते हैं सारे, कोड ऑफ कंडक्ट ये बनाते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कब डेट होगी, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी को कौन सा सिंबल दिया जाएगा. सपोज कोई नया पर्सन है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो किसी पार्टी से नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, आजाद उम्मीदवार या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. उसको कौन सा सिंबल देना है, वो अपनी मर्जी से सिंबल नहीं लेगा, कौन उनको देंगे, इलेक्शन कमीशन. प्लस कौन सी पार्टी को नेशनल बनाना है जैसे INC, कौन सी पार्टी को रीजनल बनाना है जैसे अकाली दल, कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन. और इसके अलावा वोटर कार्ड्स को रिन्यू करना, या फिर इलेक्शन से रिलेटेड कुछ नई गाइडलाइंस दे, या फिर इलेक्शन से रिलेटेड कुछ जो भी नई टर्म्स या नई जितनी भी मतलब पॉलिसीज होती हैं, दीज आर गाइडलाइंस एंड
डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्शन कमीशन। तो ये हमारी कंट्री का डेमोक्रेटिक फीचर है कि हमारी कंट्री का इलेक्शन कमीशन बाकी कई कंट्री से बेटर है, क्योंकि उन कंट्रीज में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस में इंटरफेयर करते होंगे, पर हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैनिफेस्टो, ये नेक्स्ट फीचर है हमारी कंट्री के इलेक्शंस का। मैनिफेस्टो क्या होता है? नाम थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत सिंपल है। मैनिफेस्टो का मतलब होता है बुकलेट। बुकलेट का मतलब एक ऐसी काइंड ऑफ मैगजीन या बुक जिसमें एक कोई भी पार्टी आने वाले इलेक्शंस के लिए अपनी स्ट्रेटजी, अपनी गाइडलाइंस, अपने स्लोगन्स या जो भी वो प्लान, जो भी प्रोमिसेस होते हैं वो करें। मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? बुकलेट कंटेनिंग प्रोमिसेस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो भी उनकी आइडियोलॉजी या जो भी उनके फ्यूचर प्लान्स जो वो लोगों के लिए प्रोमिसेस करते हैं। सपोज मैं आपको ये बताता कि कोई भी पार्टी आपको 5 प्रॉमिस करती है कि अगर आप हमें वोट करोगे तो हम पूरे एरिया को फ्री वाईफाई। नंबर 2, ये पार्ट ऑफ क्या है? मैनिफेस्टो। ठीक है, हाँ चलो कोई बात। सेकेंड जो है, मे बी कोई पार्टी ये भी कह सकती है कि अगर आप हमें वोट करोगे तो हम जितने भी यंग जनरेशन है उनको 100% क्या देंगे? एम्प्लॉयमेंट। थर्ड, पुअर पीपल के लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई होगी? सपोज कोई पार्टी ये कह सकती है, हाँ जी एलपीजी विल बी गिवन फ्री टू दोज हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ऑटोमेटिकली जब ये कुछ प्रोमिसेस करेंगे तो सेम जैसे हिटलर के टाइम पर हमें लोगों ने हिटलर के ऊपर बहुत जिसम कहते हैं आंखें बंद करके विश्वास किया, लेकिन बाद में उनको क्लियर हो गया कि वो डिक्टेटर बन गया। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्लियर कट मैनिफेस्टो का मतलब आप बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपको पूछती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ बुकलेट इन विच गाइडलाइंस, फिलोसफीज, प्रोमिसेस, फ्यूचर प्लान्स एंड स्लोगन्स हैव बीन रिटन बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर फ्यूचर। फ्यूचर प्लान का मतलब 5 टर्म्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए भी हो सकता है, या फिर आने वाले टाइम के लिए लोगों को कन्विंस करने के लिए। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कैंपेन। कैंपेन क्या होता है? जब वो कैंपेन स्टार्ट करते हैं, मैनिफेस्टो नंबर 1 होता है। जैसे आपके घरों में जब इलेक्शंस के टाइम पर हमें ना पैम्फलेट्स आ जाते हैं, पोस्टर्स आते हैं, उसमें सबसे ऊपर पार्टी का नाम, लीडर की फोटो होगी, वो हाथ जोड़ के आपके सामने जो है पिक्चर होगी, वोटिंग मांगते हैं आपसे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो जो भी आपको प्रोमिसेस किए होते हैं वो लिखे होंगे। ठीक है जो भी है वो लिखा होगा। उसके बाद ये सारा क्या है? काइंड ऑफ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टो, वो हो गए पैम्फलेट। लेकिन ये एक तरह से बुकलेट काइंड ऑफ मैगजीन होती है जिसमें वो अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं। हाँ जी गुरपाल चंद, बनाना जरूरी होता है तभी तो कल, अगर मेरी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं तो मैं क्या कहूंगी कि हाँ जी मुझे वोट दो मैं आपके लिए करूँ। हाँ वो अलग बात है कि अगर आप इतनी ज्यादा, हाँ अगर आप इतने ज्यादा पॉपुलर हो बिना मैनिफेस्टो के भी जीत जाते हो तो ये अप टू यू, या सेलिब्रिटीज हो सकते हैं। पर कोई भी वोट मांगने के लिए जाता है उनको कोई तो प्रॉमिस करना पड़ता ही होगा ना। ठीक है, घर में जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, और जीतने के बाद एक बार जरूर जाते हैं आपका थैंक्स करने के लिए, उसके बाद मे बी 5 इयर्स तक। ओके बस, हाँ जी यस। अब इसके बाद है बेटा, हमारी कंट्री में हर पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल होता है, तो आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है। ठीक है, एक आप टर्म याद करोगे ईवीएम एंड एपिक का मतलब क्या था? वैसे हम एपिक कहते हैं बच्चे, लॉन्ग स्टोरी, बट हियर इट मींस, अच्छा कई बच्चे क्या करते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल लिख देते हैं। ईवीएम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, दैट इज अ फीचर ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। रितिका सिट प्रॉपर एंड लक्ष्मी सिट प्रॉपर, यू कांट सिट इन द क्लास देन यू कैन गो टू मेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट इज ईपीआईसी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, ये आपके पास है, ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इवन सिंपल अगर हम कहें तो आपका वोटर कार्ड, आपके पेरेंट्स का वोटर कार्ड, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक, ईपीआईसी, एपिक होता बच्चे इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन तभी होगी जब लोगों के पास वोटर कार्ड होंगे। और इलेक्शन से पहले इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन
टू इशू वोटर कार्ड टू ऑल जिनकी एज 18 से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, अबव हो जाती है, ठीक है। तो ये लाइफ टाइम होता है, उसमें आप मॉडिफिकेशंस करवा सकते हो, अपना नेम चेंज ऑफ एड्रेस करवा सकते हो। नहीं, इसको रिन्यू नहीं होता, ये लाइफ टाइम होता है। नहीं, 18 है। नहीं नहीं, राइट टू वोट, राइट टू वोट जो है दैट इज अबव 18, ठीक है। ओके, वंस अगेन, हाँ जी, आपको कार्ड नहीं चाहिए। कंटेस्ट करने के लिए आपकी एक तो पहचान चाहिए कि आप सोसाइटी में प्रॉपर पॉपुलरिटी हो। अच्छा, हाँ जी, देर इज अ लिसन, देर इज अ डिफरेंस। राइट टू वोट होता है 18 और राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस है 21। लेकिन अगर आप लोकसभा का अगर मेंबर बनना चाहते हो, उसके लिए क्या है, 25। अगर आपने एमपी बनना है तो 25, और ऑटोमेटिकली पीएम एमपी बनेगा पहले, तभी पीएम बनेगा ना, तो 25। यस, वंस अगेन फीचर्स, अब मैं वन बाय वन आपसे पूछूंगी बेटा। यस, नंबर वन, धैर्य। What is the meaning of regular election? Keep quiet now. What is the meaning of regular elections? Only Dhairya will speak. Very good. Next, Anji Gurpal, stand up. What is the meaning of indirect democracy? What is another name of indirect democracy? Very good, representative democracy. Next, beta, Anji. Single member constituency. Bacche, bahut simple hai. Single member constituency means from each and every constituency, so many candidates can contest election, but winner will be declared only one. Winner sirf ek hi hoga. That is single member constituency. So kya ho gaya aapko? Aap sun nahi rahe the pichhe? Nahi, aap sun nahi rahe the. Tabhi aapka dhyan nahi aur na aapne answer diya. Hanji, next, Harshish Sharma. Joint electorate. Gurpal, sit down. Kya ho? बच्चे, ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मीनिंग क्या होता है? दैट यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड फॉर वोटिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड कलर एंड रेस, ठीक है। यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा तो उसमें डिमांड लोगों ने क्या की थी कि वो रिलीजन बेसिस के ऊपर वोटिंग चाहते थे। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में रिलीजन के बेसिस के ऊपर जो है वो वोटिंग क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता। नहीं, बैनर्स में अगर होगा तो वो अगेंस्ट माना जाएगा, नहीं पर नहीं होता। हाँ जी, नेक्स्ट, चैतन्य। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट, बेटा, कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स सम रूल्स एंड रेगुलेशंस और गिवन बाय इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग इलेक्शंस। हाँ, इसका मतलब है कि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है उससे पहले भी गाइडलाइंस, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ही क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम बाय इलेक्शन कमीशन और गाइडलाइंस गिवन बाय इलेक्शन कमीशन टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स कंटेस्टेंट्स, ठीक है। सिट डाउन। हाँ जी, लक्ष्य, स्टैंड अप। व्हाट डू मीन बाय रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एज अ फीचर ऑफ इलेक्शन इन इंडिया? Okay, passes.